दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपनी शो एंजल्स टॉक शो में। दोस्तों आज की पाइथन ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि कैसे पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाइथन सॉफ्टवेयर को किस तरीके से अपने कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में हमने आपको दो तरीके बताए हुए हैं, इन दोनों तरीकों का ही यूज कर आप पाइथन को अपने सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें आपको गूगल साइट ओपन करनी होगी और गूगल साइट को ओपन करने के बाद में जो सर्च ऑप्शन आता है वहां पर आपको डाउनलोड पाइथन लिखकर उसको एंटर करना होगा और जैसे ही आपका फर्स्ट पेज ओपन होके आता है तो उसमें सबसे ऊपर की साइट जो दे रखी है वो आपकी पाइथन से रिलेटेड साइट है तो उस पर आपको क्लिक कर आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर जो हमने लिंक दिया हुआ है इस लिंक को आप नोट कर लें और इस लिंक को कॉपी कर अपने किसी भी इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार में जाकर इसको पेस्ट कर दें और एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद में दोस्तों जो पेज ओपन होके आएगा उसमें सबसे फर्स्ट जो आपका लिंक है वो पाइथन का ही लिंक है, पाइथन सॉफ्टवेयर को वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों यहां पर हमने लिंक दिया हुआ है, यहां पर हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हमने क्लिक किया हुआ है देखिए आप देख रहे हैं कि ये पाइथन का पेज ओपन होकर आ रहा है और यहां पर पेज ओपन होने के साथ में ये पाइथन की वेबसाइट ओपन हो गई है जहां से हम अपने पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। यहां पर ये पूरी डिटेल दे रखी है, आप देख सकते हैं कि ये काफी कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ पर आके आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पर देखिए ऊपर डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पर विंडोज का ऑप्शन दिया हुआ है तो विंडोज में यहाँ पर दिया हुआ है कि डाउनलोड फॉर विंडोज पाइथन 3.8.3। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब ये लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का, तो अभी हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और वो पाइथन 3.8.3 है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के साथ में ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में ये क्लिक होना स्टार्ट होना डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और ये डाउनलोड हो चुकी है साइट सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर हम यहाँ पर नीचे ऐड पाइथन 3.82 पाथ कर देते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉलिंग प्रोसेस हम स्टार्ट हो चुकी है, आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के साथ में ही आपकी प्रोसेस ये प्रोग्रेस में है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है आपके सिस्टम में और सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल हो चुके हैं तो आपके पास में पूरा एक मैसेज आएगा जब आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन और बहुत ही जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस। ये 32-bit सॉफ्टवेयर है, सेटअप है उसका, यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है आप देख रहे हैं, प्रोसेस कंटिन्यूअसली रन हो रही है और कुछ ही सेकंड्स में अभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि सेटअप बहुत सक्सेसफुल। दोस्तों जैसा हमें पता है कि हमारा सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है तो अब हम इस साइट को क्लोज कर देते हैं और साइट को क्लोज करने के बाद में हम अपने सिस्टम के कंट्रोल पैनल में जाते हैं और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में हम यहां पर इजीली देख सकते हैं कि पाइथन 3.8.3 32-bit ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब इस पर वर्क करने के लिए किस तरीके से वर्क करते हैं तो उस पर वर्क करने के लिए यहाँ पर आते हैं हम और यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये पाइथन 3.8.3 32-bit हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों ये इसकी आईडी अली है,
ये जिस पर हम अपने सॉफ्टवेयर के अपने प्रोग्राम को बनाते हैं, ये पाइथन का शेल है जहाँ पर प्रोग्राम को बनाया जाता है, जहाँ पर पाइथन के प्रोग्राम को राइट किया जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताता हूँ कि कैसे इसका प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हुए हैं और दो वेरिएबल लेने के बाद में मैंने उन दोनों वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन कराई हुई है, और वैल्यू असाइन कराने के बाद में मैंने उन दोनों ही वेरिएबल्स को ऐड कर दिया है और लास्ट में प्रिंट कराया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर इसकी वैल्यू ऐड होने के बाद में इसका जो आउटपुट हमको रिसीव हुआ है तो वो आया है 12, जो कि ए और बी का समीशन है, उसका सम है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को पाइथन शेल में बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम पाइथन को अपने प्रोग्राम को अपने डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्टॉलिंग पाइथन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आपको लिंक भी दिया हुआ है, इस लिंक पर जाकर आप अपने प्रोग्राम को अपने सॉफ्टवेयर को इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं और पाइथन को रन करा सकते हैं अपने सिस्टम पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से पाइथन को इंस्टॉल करना आ चुका होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे, और साथ में लगी हुई बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।